हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। चलिए हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया, अब उसको फर्दर हम आगे स्पीड टाइम डिस्टेंस के एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा बोट्स एंड स्ट्रीम्स। ओके, बोट्स एंड स्ट्रीम्स। नाउ अभी देखिए, अभी आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस में ट्रेन क्रॉसिंग को सीखा, आपने फॉर्मूले को सीखा, उसको एनालिसिस देखा हमने और कुछ अच्छे क्वेश्चंस उस पर डिस्कस करे। अब हम डिस्कस करते हैं बोट्स एंड स्ट्रीम में। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने ये कॉन्सेप्ट 10th क्लास में आपके पढ़ा होगा कि अगर एक बोट मूव कर रही है पानी में तो किस तरह से उसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से बहुत सारे कैलकुलेशन हम उसमें कर सकते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि ये एक स्ट्रीम है। ओके, दिस इज अ स्ट्रीम। ठीक है, पानी की ऐसी धारा है, ये धारा अभी रुकी हुई है, स्ट्रीम बिल्कुल रुकी हुई है। ओके, एक शांत पानी है। ओके, जैसे कि लेक में होता है, पॉन्ड में होता है, आप देखेंगे तो दिस इज अ वाटर। ओके, एक वाटर की स्ट्रीम है जिसकी स्पीड बिल्कुल जीरो है, मूव नहीं कर रहा। तो जस्ट इमेजिन करिए अगर हम इसके ऊपर एक बोट रख दें कुछ इस तरह से। ओके, इस तरह से बोट रख दें तो क्या ये बोट मूव करेगी? ऑब्वियसली नहीं करेगी। अगर इसमें कोई स्पीड नहीं है, बोट के पास भी स्पीड नहीं है, मैंने इसमें कोई मोटर बोट नहीं लगाई, मैंने जस्ट एक नॉर्मल बोट रख दी एक लेक में, तो ये बोट मूव नहीं करेगी। वाई? बिकॉज बोट के पास खुद की कोई स्पीड नहीं है और साथ में ये पानी भी रुका हुआ है। लेकिन अगर हम इस बोट में एक ऐसा इंजन लगा दें, पीछे एक मोटर बोट लगा दें, एक मोटर लगा दें और इस बोट को स्पीड दे दें, लेट सपोज 10 meters per second की। ओके, 10 meters per second की, तो ये बोट 10 meters per second से इधर मूव करने लगेगी। अब ये जो 10 meters per second स्पीड है, ये किसकी स्पीड है? ये बोट की स्पीड है। क्या इसमें पानी का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पानी हम मानते हैं रुका हुआ है। तो रुके हुए पानी में बोट की जो ये स्पीड है 10 meters per second, ये खुद की बोट की स्पीड है, इसमें पानी का कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो है। तो इस स्पीड को अपन बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ओके, इन स्टिल वाटर, कि रुके हुए पानी में बोट की स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, दैट इज 10 meters per second। और इसको अपन डिनोट करेंगे यूजिंग कैपिटल बी। हम कैपिटल बी जहां पे भी लिखेंगे, कैपिटल बी का मतलब हो जाएगा कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, याद रखिएगा ये चीज। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हो गया कैपिटल बी। नाउ इमेजिन करिए, अब अगर मैं इस पानी को भी ऐसा 2 meters per second से इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ देख लूं, तब क्या होगा? तो ये 2 meters per second क्या है? ये पानी की स्पीड है। कि अगर मैं बोट को भूल जाऊं और सिर्फ पानी को देखूं तो 2 meters per second, तो 2 meters per second को हम बोलेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम। दिस इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, कि मतलब इस स्पीड से पानी मूव कर रहा है, ऐसी स्ट्रीम चल रही है। अब बोट 10 से चल रही है, पानी 2 से चल रहा है, तो क्या होगा? 1 second में बोट खुद से 10 meters आगे चली जाएगी और पानी उसे 2 meters और आगे घसीट देगा। ओके, और आगे धकेल देगा कुछ इस तरह से। तो ओवरऑल हम क्या देखेंगे कि 1 second में बोट विल ट्रेवल 10 plus 2 meters per second। ओके, 10 plus 2 meters का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी हर 1 second में अगर पानी और बोट इस तरह से मूव कर रहे हैं। अब देखिए, हमने क्या सीखा था कि जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उस केस में उनकी स्पीड जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, रिलेटिव स्पीड में हमने सीखा अभी। ओके, जब मैन आगे चल रहा था, ट्रेन पीछे से आ रही थी, तो मैन को दिखता है कि ट्रेन जो है वो उसकी स्पीड से कम से स्पीड से आ रही है, मतलब ट्रेन की स्पीड माइनस मैन की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाते हैं लेकिन जो स्पीड है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। बट यहां पर क्या हो रहा है, बोट और पानी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं बट स्पीड ऐड होती जा रही है। इसीलिए ये जो स्पीड है, दिस इज नॉट अ रिलेटिव स्पीड, ये रिलेटिव स्पीड नहीं है, इसको अपन बोल देंगे इफेक्टिव स्पीड है। तो इफेक्टिव स्पीड में क्या हुआ, पानी और बोट जब सेम डायरेक्शन में थे तो दोनों की स्पीड ऐड हो गई, रिलेटिव में क्या होता था, दोनों की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती थी। तो इसलिए ये स्पीड रिलेटिव स्पीड नहीं है। अब देखिए, जब पानी और बोट सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। ओके, डाउन स्ट्रीम की सिचुएशन कब बनेगी, जब पानी और बोट सेम डायरेक्शन में जाएंगे। देखिए, क्योंकि पानी जो होता है वो हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो होता है, तो अगर बोट भी पानी के साथ जाएगी, मतलब बोट को पानी के साथ हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाना होगा, तो इसलिए डाउनवर्ड्स मूवमेंट हम मानते हैं, डाउनवर्ड्स मूवमेंट होगा, इसलिए उस कंडीशन को बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। तो इट मीन्स, अब देखिए, बोट की स्पीड जो स्ट्रीम की स्पीड है वो क्या है, 2 meters per second। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम डिनोट करते हैं विद कैपिटल एस। तो कैपिटल एस जहां पे लिखा हुआ है, मतलब वो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जिसमें बोट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ स्ट्रीम की स्पीड है। और कैपिटल बी क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जिसमें स्ट्रीम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये स्पीड कौन सी हुई, ये स्पीड हो गई
बी प्लस एस, ओके। और ये किस सिचुएशन में होती है? डाउनस्ट्रीम में। तो बी प्लस एस हो गई हमारी डाउनस्ट्रीम स्पीड, ओके। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो गया? बी प्लस एस। नाउ इमेजिन कीजिए, अगर इस बोट को अब मैं ऐसा मूव कराने लगूं 10 मीटर्स पर सेकंड से इस डायरेक्शन में मूव करा दूं कुछ इस तरह से, तो क्या होगा? एक सेकंड में बोट आगे चली जाएगी 10 मीटर, लेकिन पानी उसको 2 मीटर पीछे कर देगा। सो ओवरऑल यू विल फाइंड कि यहां पर स्पीड हो जाएगी 10-2 मीटर्स पर सेकंड। और जब बोट और पानी अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो देखिए रिलेटिव में हमने क्या सीखा था, दो ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनकी स्पीड ऐड हो जाएगी, बट यहां पर क्या होगा, बोट और स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बी माइनस एस यहां पर अप्लाई हो जाएगा। और बी माइनस एस क्या हुआ, इस चीज को हम बोलेंगे कि जब बोट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही तो बोट पानी के अपोजिट कब जाएगी, जब बोट लोअर लेवल टू हायर लेवल मूव करेगी, ओके। तो लोअर लेवल टू हायर लेवल मतलब ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे अपस्ट्रीम, ओके। दिस सिचुएशन इज अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की सिचुएशन है। तो ये क्या चीज हो गई, बी माइनस एस, दिस इज नोन एज अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड। ये क्या हुई, डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो हमारे पास दो कंडीशन आ गई, दो कंडीशन कौन सी, पहली कंडीशन हो गई डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल्स टू बी प्लस एस, अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल्स टू बी माइनस एस। अब अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो एस एस कैंसिल हो जाएगा और बी प्लस बी टू बी हो जाएगा, तो बी का वैल्यू आ गया 1/2 डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम। और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ओके, दोनों को माइनस कर दूं, तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, एस और एस ऐड हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगा 1/2 डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, ओके। तो इस तरह से हमारे पास चार कंडीशंस बन जाएंगी बोट्स एंड स्ट्रीम में, जिनके ऊपर सारे सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। बोट्स एंड स्ट्रीम का कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए, इन चार कंडीशंस को यूज करके आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज अ बेसिक थियोरेटिकल पार्ट ऑफ बोट्स एंड स्ट्रीम। तो इसे नोट करिए, अपन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि कैसे इनको हम अप्लाई करने वाले हैं। सो यू कैन नोट दिस, ओके। सो देखिए, चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि जो चार हमारे पास कंडीशंस बनी, डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम और इस तरह की। तो मैं वापस से कंडीशंस को लिख देता हूं। देखिए, डाउनस्ट्रीम स्पीड हमने क्या बोला, इट इज बी प्लस एस। अपस्ट्रीम स्पीड हमने क्या बोला, बी माइनस एस। बोट की स्पीड क्या हो गई, हाफ ऑफ डी एस प्लस यू एस, ओके। तो बोट की स्पीड मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, की बोट की खुद की स्पीड जो है, इसमें पानी का कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं, ओके। उसके बाद स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी हो गई, 1/2 डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड, ओके। तो इस तरह से ये बन गया, एस मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जिसमें सिर्फ स्ट्रीम की स्पीड है, इसमें बोट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ओके। नाउ तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ मैन कैन रो हाफ अ किलोमीटर अगेंस्ट द करंट। नाउ अगेंस्ट द करंट मतलब अपोजिट। तो अगेंस्ट द करंट बोला मतलब अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं, कि करंट के हम अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है ना, उल्टा जा रहे हैं करंट से, इन 12 मिनट्स। तो अ पर्सन कैन रो अ बोट अगेंस्ट द करंट इन 12 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 6 मिनट्स। तो एक पर्सन है जो कि एक अपस्ट्रीम जाता है, ठीक है ना, एक पॉइंट से, लेट सपोज हम पॉइंट मान लेते हैं। अब अगेंस्ट द करंट जा रहा है, तो हम इसको बनाते भी कुछ इसी तरह से हैं कि करंट फ्लो होगा फ्रॉम बी टू ए, ऐसा ऐसा, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, कुछ इस तरह से, इस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है। एंड वेयर इज द पर्सन गोइंग, पर्सन इज गोइंग अगेंस्ट द करंट मतलब पर्सन ए से बी जा रहा है कुछ इस तरह से, ओके, okay, कितना, हाफ किलोमीटर्स। तो हाफ किलोमीटर जाता है, और हाफ किलोमीटर कितनी देर में जाता है, 12 मिनट्स में, इट गोज इन 12 मिनट्स। और फिर रिटर्न आता है 6 मिनट में। तो देखिए, यहां से ऊपर गया 12 मिनट में, और फिर यहां से नीचे आया 6 मिनट में, ओके, okay? So, गया 12 मिनट में, आया 6 मिनट में। क्या आप सोच सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो जाते समय, ऊपर चढ़ते समय कितनी होनी चाहिए, व्हेन इट इज मूविंग अपवर्ड्स। तो वी कैन सी पानी ऐसा फ्लो हो रहा है, ओके, और बोट ऐसी जा रही है, तो यहां पर क्या होगा, अपस्ट्रीम की कंडीशन बनेगी। अपस्ट्रीम के केस में स्पीड क्या होती है, बी माइनस एस। और जब B से A आ रहा है, डाउनस्ट्रीम आ रहा है, तो डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, बोट की स्पीड, पानी की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे बन जाएगी स्पीड B प्लस S, कुछ इस तरह की सिचुएशन बन सकती है यहाँ पे, ओके। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ
सॉरी स्पीड ऑफ करंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हाफ ऑफ डीएस माइनस यूएस। तो डीएस क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड। मतलब अगर मुझे डाउनस्ट्रीम स्पीड मिल जाए, मुझे अपस्ट्रीम स्पीड मिल जाए, तो मैं स्ट्रीम की स्पीड को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो लेट्स कैलकुलेट द डाउनस्ट्रीम स्पीड। हमें क्या दिखता है, डाउनस्ट्रीम आते समय कितनी देर आता है डाउनस्ट्रीम, हाफ किलोमीटर। तो हाफ किलोमीटर नीचे आता है, कितनी देर में आता है, कितना डिस्टेंस के साथ, कितनी देर में आता है, 6 मिनट्स में। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड, दैट इज हाफ किलोमीटर अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, हाफ किलोमीटर, और टाइम टेकन कितना है, 6 मिनट। तो 6 मिनट्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं 6/60 करके, ओके 6/60 करके। सो यू विल गेट द डाउनस्ट्रीम स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर। यहाँ से डाउनस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी, आप सॉल्व करके बताइए क्या आती है डाउनस्ट्रीम स्पीड। फिर निकालते हैं अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड कैसे निकालेंगे, देखिए ए से बी गया हाफ किलोमीटर्स, और कितनी देर में गया, 12 मिनट्स में। तो 12 मिनट लग गए ऊपर चढ़ने में, तो इसका मतलब अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, हाफ किलोमीटर्स अपॉन टाइम, टाइम इज 12 मिनट्स, सो इट विल बी 12/60। ओके 12/60 बिकॉज हाफ किलोमीटर गया, 12 मिनट में गया, तो 12/60 करा हमने इसको, तो आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो यू कैन कैलकुलेट डाउनस्ट्रीम स्पीड, यू कैन कैलकुलेट अपस्ट्रीम स्पीड। अब क्या करें, हमें तो चाहिए स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब स्ट्रीम की स्पीड। तो स्ट्रीम की स्पीड के लिए हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जो भी डाउनस्ट्रीम स्पीड आएगी माइनस जो अपस्ट्रीम स्पीड आएगी। सो नाउ यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये एक तरीका हो जाएगा, ओके दिस इज वन वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा और क्या यहाँ पे हम सोच सकते हैं, और क्या रिलेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए जब ए से बी जाता है और बी से ए आता है, तो ए से बी जाने में और बी से ए आने में डिस्टेंस तो वही है, हाफ किलोमीटर जाना, हाफ किलोमीटर आना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशो, वही रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट, रिवर्स कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स डाउनस्ट्रीम स्पीड अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड का रिलेशन क्या हो गया टाइम के साथ। टाइम के साथ रिलेशन कैसे निकालेंगे, देखिए डाउनस्ट्रीम स्पीड अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड में टाइम का रेशो रिवर्स इज इक्वल्स टू टाइम टू गो अपस्ट्रीम अपॉन टाइम टू गो डाउनस्ट्रीम। दिस इज द रिलेशन। देखिए क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, हम ये जस्ट एक रिलेशन समझना चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को और कैसे सोच सकते हैं। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड विल बी टाइम टू गो अपस्ट्रीम अपॉन टाइम टू गो डाउनस्ट्रीम, बिकॉज एस वन अपॉन एस टू इज इक्वल्स टू टी टू अपॉन टी वन इन केस द डिस्टेंस इज सेम। सो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या लिख देंगे हम, बी प्लस एस अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड लिख देंगे बी माइनस एस। अपस्ट्रीम जाने के लिए टाइम 12 मिनट और डाउनस्ट्रीम आने के लिए टाइम 6 मिनट। तो यहां से इस तरह की कंडीशन हम डेवलप कर सकते हैं, और इससे हम बी इस टू एस का रेशियो भी निकाल सकते हैं। हम ये निकाल सकते हैं कि बोट और स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो कितना है, ओके। या फिर मान लीजिए इसमें स्पीड ऑफ बोट पूछ लिया होता, तो यहां से हम स्पीड ऑफ बोट निकाल सकते हैं अगर डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड आ गई, ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी निकाल सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करना तो ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, बी प्लस एस अपॉन बी माइनस एस इज इक्वल्स टू 12/6। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको बी और एस में एक रिलेशन मिल जाएगा, ओके बी और एस में एक रिलेशन मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, बी प्लस एस इंटू डाउनस्ट्रीम में टाइम कितना लगा, 6 मिनट्स का, तो 6/60। सो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/2 किलोमीटर्स। तो ये और ये कंडीशन को यूज करके भी हम एस का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये कंडीशंस को यूज करके भी हम एस का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा, बट दिस इज ऑल्सो अ वे टू थिंक, ओके। ऐसा नहीं है कि हमें एक ही मेथड पर स्टिक रहना है, हमारे पास अगर और कोई मेथड आता है या आपके पास और कोई अच्छा मेथड है तो हमें कमेंट में बताइए, हम उसको भी डिस्कस करते हैं, मे बी पॉसिबल, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल कि आपके सोचने का लेवल, आपके सोचने का तरीका डिफरेंट हो, आप कुछ और अच्छा मेथड निकाल के दिखा दें। सो डेफिनेटली वी शुड ट्राई दिस। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये मेथड या ये मेथड जो आपको अच्छा लगे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, ओके। सो यू कैन नोट दिस क्वेश्चन, ओके। सो चलिए अभी हमने एक बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करा, हमने कॉन्सेप्ट को समझा कि डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम के फॉर्मूला जो है, वो आइडिया जो एक बना है, उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन पे, और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन, इसको समझते हैं। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, इट सेज ऑन अ रिवर क्यू इज द मिड पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स पी एंड आर। क्यू इज अ मिड पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स पी एंड आर ऑन द सेम बैंक ऑफ द रिवर। अ बोट कैन गो फ्रॉम पी टू क्यू
एंड बैक इन 12 आवर्स. इट कैन गो फ्रॉम पी टू क्यू एंड बैक इन 12 आवर्स एंड फ्रॉम पी टू आर इन 16 आवर्स एंड 40 मिनट्स. हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू गो फ्रॉम आर टू पी. ओके, सो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक क्यू नाम का पॉइंट है जो कि पी और आर के बीच में आता है, बिल्कुल मिड पॉइंट है उसका. ठीक है, मिड पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है. अब दूसरी उसने ये बात बोली कि द थ्री पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम बैंक ऑफ द रिवर. मतलब रिवर के दो बैंक्स होंगे, एक इस तरफ होगा राइट से, एक इस तरफ होगा. रिवर मान लीजिए ऐसा बह रहा है, तो ऐसा नहीं है कि पी और आर इधर है और क्यू इस तरफ है, या क्यू इधर है पी इधर है और आर इस तरफ है, ऐसा नहीं है. ऑल द थ्री पॉइंट्स आर एग्जैक्टली ऑन द सेम बैंक, या तो तीनों इस तरफ है या फिर तीनों इस तरफ है. ओके, ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. इसके बाद उसने क्या बोला कि एक बोट जो है वो पी से क्यू जाती है और वापस भी आती है. तो पी से जो लेट सपोज एक इस तरह से पॉइंट्स है तीनों, तो पी से क्यू गई और फिर वापस भी आई, कितनी देर में, 12 घंटे में, 12 आवर्स. तो पहला पॉइंट हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा, जाने के लिए और आने के लिए टोटल मिला के 12 घंटे, तो हो सकता है 6 घंटे जाने और 6 घंटे आने, ऐसा सोच सकते हैं. ओके, मे बी पॉसिबल. उसके बाद एंड फ्रॉम पी टू आर, और पी से आर पूरा जाती है, पी से लेके आर तक पूरा जाती है 16 घंटे 40 मिनट में. ओके, 16 घंटे 40 मिनट में. हमें ये बताना है कि उसको कितना समय लगेगा टू गो फ्रॉम आर टू पी. मतलब पी से आर गई 16 घंटे 40 मिनट, और फिर आर से पी आने में कितना समय लगेगा. तो पहला थॉट क्या आएगा कि हाँ, पी से अगर आर जा रही है 16 घंटे 40 मिनट, तो आर से पी आने में भी उतना ही लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज हुआ ही नहीं. ओके, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, लेकिन डिस्टेंस भले ही चेंज ना हुआ हो, बट स्पीड डेफिनेटली चेंज हुई है. वरना आप सोचिए क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस ही क्या रह जाएगा, सिग्निफिकेंस ही क्या है. ओके, मेन पॉइंट क्या है, उसने बोला कि तीनों जो पॉइंट्स है दे आर लाइंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, और रिवर है तो वो फ्लो कर रहा है, और रिवर अगर फ्लो कर रहा है इसका मतलब जाते समय या आते समय किसी ना किसी एक डायरेक्शन में डाउनस्ट्रीम दिखेगा और किसी ना किसी एक डायरेक्शन में अपस्ट्रीम दिखाई देगा. इसीलिए क्वेश्चन में हम कहेंगे कि ये जो 12 घंटे टाइम दिया हुआ है पी से क्यू जाने का और क्यू से पी आने का, तो पी से क्यू जाने में अगर अपस्ट्रीम दिखेगा तो क्यू से पी आने में डाउनस्ट्रीम दिखाई देगा, अगर पी से क्यू जाने में डाउनस्ट्रीम दिखेगा तो क्यू से पी आने में अपस्ट्रीम यहां पे आपको दिखाई देना चाहिए. ओके, सो इसीलिए अगर हम इसको ड्रॉ करें, लेट्स अज्यूम कि यह है पॉइंट पी और यहां पे कहीं है पॉइंट आर और बीच में है ये पॉइंट आपका क्यू. ओके, अभी क्योंकि तीनों रिवर के बैंक पर हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक डायरेक्शन अज्यूम करना होगा. किसी भी तरह से आप अज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है कि पानी एग्जैक्टली बह किस तरफ से रहा है. ओके, तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट सपोज कि पानी का जो डायरेक्शन है वो यही है, कुछ इस तरह से. ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर, कि पानी ऐसा जा रहा है. ओके, वाटर इज फ्लोइंग लाइक दिस. सो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं पी से क्यू जाऊंगा तो मैं डाउन स्ट्रीम जाऊंगा, मैं क्यू से आर जाऊंगा तब भी डाउन स्ट्रीम जाऊंगा, मैं आर से क्यू आऊंगा तो अपस्ट्रीम हो जाएगा, और क्यू से पी आ जाएगा तो वापस से अपस्ट्रीम हो जाएगा. ओके, तो देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में कि पी से क्यू जाने के लिए 12 घंटे, पी से क्यू जाके वापस आने के लिए टोटल 12 घंटे लगते हैं. इसका मतलब पी से क्यू जब मैं गया तब तो मैं डाउनस्ट्रीम चल रहा था. ओके, और फिर क्यू से पी आया तब तो मैं अपस्ट्रीम हो गया. तो आप जरा ये सोचिए कि कौन से सिचुएशन में टाइम ज़्यादा लग रहा होगा. ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा जब हम क्यू से पी आएंगे. वाई, बिकॉज हमारी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, अपस्ट्रीम की स्पीड जो है वो कम होती है, डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है. तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि पी से क्यू जाने का टाइम को हम बोल देते हैं, लेट सपोज टी पी क्यू. ओके, टी पी क्यू रिप्रेजेंट करता है पी से क्यू जाने का समय, प्लस टी क्यू पी, टी क्यू पी रिप्रेजेंट करता है वापस आने का समय. तो टी पी क्यू प्लस टी क्यू पी किसके बराबर है, 12 के बराबर, क्योंकि आपको क्या बोला, पी से क्यू गया और क्यू से पी वापस आया, 12 घंटे लग गए उसको ऐसा करने में. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. दूसरी कंडीशन क्या बोला कि पी से आर जाने में 16 घंटे लगते हैं, 16 घंटे 40 मिनट लगते हैं. तो ये पी है और ये आर है, तो पी से जब मैं आर जाऊंगा तो इसमें 16 आवर्स एंड 40 मिनट्स लगे. अब खास बात सोचते हैं, देखिए जब मैं P से R गया तो Q पॉइंट बीच में आया. ओके, Q पॉइंट बीच में आया, P से Q और Q से R. ओके, P से Q और Q से R जाने के केस में मैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ही चल रहा था. ओके, तो P से R जाने के टाइम को मैं दो में ब्रेक कर देता हूं, पहला पार्ट हो गया P से Q जाना और दूसरा पार्ट हो गया Q से R तक जाना. एंड व्हाट आई कैन से कि डेफिनेटली
जो टोटल टाइम है पीसीआर जाने का उसके दो बराबर भाग कर सकते हैं, कि अगर 16 घंटे 40 मिनट लगते हैं पीसीआर जाने में, इसका मतलब कि 8 घंटे 20 मिनट लग रहे होंगे पी से क्यू जाने में, और क्यू से आर जाने में भी 8 घंटे 20 मिनट लग रहे होंगे। क्योंकि आप देखिए, जब मैं पी से आर मूव कर रहा था तो मेरी डायरेक्शन तो चेंज ही नहीं हुई, मेरी डायरेक्शन तो वही थी, मैं हमेशा डाउनस्ट्रीम ही मूव कर रहा था। तो डाउनस्ट्रीम ही मूव करते समय में यहां से यहां पे 8 घंटे 20 मिनट लग गए, यहां से यहां पे 8 घंटे 20 मिनट लग गए। ओके, तो अब देखिए यहां पे आपको पी से क्यू जाने का टाइम कितना मिल गया, 8 hours and 20 minutes। तो क्या आप क्यू से पी आने का टाइम निकाल सकते हैं? आपके पास ये वाला टाइम कितना हो गया, 8 hours and 20 minutes, तो ये टाइम निकाल सकते हैं। तो वी कैन से 8 hours 20 minutes प्लस TQP = 12। ओके, सो TQP कितना आ गया, TQP कितना आ गया, 12 hours माइनस 8 hours माइनस 20 minutes, इस तरह से बन गया। तो देखिए ये टाइम कितना हो गया, 12 में से 8 घंटे हम कम कर देते हैं तो 4 घंटे बचे, और उस 4 घंटे में से 20 मिनट और कम करा तो कितना हो गया, जरा इमेजिन कीजिए, इट विल बी 3 hours and 40 minutes। ओके, 3 hours and 40 minutes, तो ये वो टाइम आ गया जो हमें क्यू से पी आने में लगता है। ओके, नाउ अब मैं ये कहता हूं कि जो टाइम क्यू से पी आने में लग रहा है एग्जैक्टली उतना ही टाइम हमें आर से क्यू आने में भी लगेगा। वाई? बिकॉज जब हम क्यू से पी मूव कर रहे हैं तो हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं, जब हम आर से क्यू मूव कर रहे हैं तब भी हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं, और क्यू क्योंकि मिड पॉइंट है इसलिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर है। सो जब डिस्टेंस सेम है, स्पीड भी सेम है, तो टाइम तो सेम होना ही पड़ेगा। ओके, जब तो दो पैरामीटर सेम है तो ऑब्वियस बात है कि टाइम को भी सेम होना ही पड़ेगा, बिकॉज टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जितना समय हमें क्यू से पी आने में लगा एग्जैक्टली उतना ही हमें आर से क्यू आने में भी लग रहा है, तो ये दोनों टाइम बराबर है। तो कंडीशन बन गई कि TQP = TRQ, दिस इज द कंडीशन। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आर से पी आने का टाइम। तो आर से पी आने का टाइम क्या होगा, टाइम टू गो फ्रॉम आर टू पी विल बी इक्वल्स टू टाइम टू गो फ्रॉम आर टू क्यू प्लस टाइम टू गो फ्रॉम क्यू टू पी, कुछ इस तरह का सिचुएशन बनेगा। ओके, आर से क्यू जाने का जो टाइम, आर से पी जाने का जो टाइम है वो इस टाइम का और इस टाइम का टोटल होगा। अब ये दोनों टाइम तो बराबर है, तो इसका मतलब इस कंडीशन को मैं लिख सकता हूं 2 times of QP। ओके, 2 times of QP, ये रिलेशन को देखिए, ये वाला रिलेशन, इसको यूज करके मैं लिख सकता हूं 2 times of QP। नाउ व्हाट इज QP, टाइम टू गो फ्रॉम QP इज 3 hours and 40 minutes, तो इसका मतलब ये कितना हो गया TRP, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 times of 3 hours and 40 minutes। ओके, 3 hours and 40 minutes, तो कैसे मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 6 hours and 80 minutes। नाउ 80 मिनट्स क्या होंगे, एक आर कंप्लीट हो जाएगा एक्स्ट्रा, तो इस 80 मिनट्स में से 60 मिनट्स अलग कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 7 hours and 20 minutes। ओके, सो अल्टीमेटली मुझे आर से पी आने में लग गए 7 hours and 20 minutes। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यू कैन सिंपली सॉल्व द क्वेश्चन। अब देखिए खास बात यहाँ पे क्या दिखती है, हमें पी से आर जाने में लगे थे 16 घंटे 40 मिनट, पी से आर जाने में 16 घंटे 40 मिनट, और आर से पी आने में 7 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं। आप सोचिए ऐसा क्यों हो रहा होगा, जब हम पी से आर जा रहे हैं तो हमने तो डाउनस्ट्रीम माना है, तो ये तो डाउनस्ट्रीम है, तो डाउनस्ट्रीम में तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, जबकि अपस्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लगना चाहिए। ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज हमने जो ये स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है ये हमने अज्यूम गलत करी है, बट उससे फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम पूरी तरह से टाइम के रिस्पेक्ट में डील कर रहे हैं, हमने यहाँ पे स्पीड की बात ही नहीं करी कहीं पे, हमने सीधा सीधा क्या करा, टाइम के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को। हमें इससे जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि डायरेक्शन आप ऐसी मानते हो या ऐसी मानते हो। ऑब्वियसली यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमें समझ में आता है कि आर से पी आने का टाइम कम लगा, इसका मतलब पानी ऐसा फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसा फ्लो हो रहा है। ओके, बट हमने जस्ट कैलकुलेशन पर्पज के लिए ऐसा अज्यूम किया था, सो देर इज नो प्रॉब्लम, देर इज नॉट एट ऑल एनी प्रॉब्लम कि आप इसको ऐसा मान लें,
ओके सो बस हुआ क्या, ये अजम्पशन गलत है पूरी तरह से, ओके क्योंकि हम क्या होगा जनरली जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो टेंडेंसी यही होती है कि ऐसा लेफ्ट से राइट वाला डायरेक्शन ही हम अज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज पी क्यू आर ऐसा सीक्वेंस में लिखे हुए हैं तो हमें लगता है कि हाँ यही डायरेक्शन होना चाहिए। बट इससे कोई समस्या नहीं है, इससे कोई भी समस्या नहीं है, आप बिल्कुल ओपनली जो आपको डायरेक्शन पसंद आए उसे चूज कर सकते हैं। तो एग्जाम में इस चीज पे समय व्यर्थ ना करें कि आप डायरेक्शन चूज कर रहे हैं और कैलकुलेशन करके डायरेक्शन चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आप जस्ट एक अज्यूम करिए और सॉल्व कर दीजिए क्वेश्चन को। अगर आपका आंसर अलग आएगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है, ये हाइपोथेसिस है एक तरह से कि हमने ऐसा माना है, और ये रिवर्स हो जाएगा, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। ओके सो दिस इज अवर आंसर। 7 hours एंड 20 minutes लगेंगे आर से पी आने में। सो यू कैन नोट दिस क्वेश्चन। ओके सो अभी देखिए, हमने एक अच्छा सा क्वेश्चन देखा, हमने देखा कि डायरेक्शन अज्यूम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम कर लीजिए बट उससे आपके क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। क्या होगा अगर मान लीजिए हमने डायरेक्शन अलग भी अज्यूम कर लिया तो स्पीड ज़्यादा ज़्यादा निगेटिव आ जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। बट क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में स्पीड को कंसिडर ही नहीं किया, हमने पूरा टाइम के फ्रेम में ही, टाइम के रेस्पेक्ट में ही क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसीलिए कोई ऐसा फर्क नहीं उसमें दिखाई दिया। नाउ अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अ मैन रोज अ बोट अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम। ओके तो पॉइंट नोट करने की चीज है कि हाँ अपस्ट्रीम जा रहा है, देन रिटर्न्स टू द सेम प्लेस। ओके अब ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है नोट करने का कि सेम प्लेस पे रिटर्न हो रहा है, मतलब वो ए से बी गया तो बी से वापस ए पर ही आया, किसी सी डी ई पे नहीं गया, ए डैश पे नहीं गया, इट्स सिंपली मूव्ड फ्रॉम ए टू बी एंड देन गेट बैक फ्रॉम बी टू ए अगेन। ओके एट द सेम प्लेस। इफ द टाइम टेकन बाय हिम, ओके टाइम टेकन बाय हिम इन गोइंग अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के लिए टाइम की बात कर रहा है, इज ट्वाइस। ओके ट्वाइस डबल है टाइम किसका, टाइम टेकन बाय हिम टू गो डाउनस्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम जाने में जो समय लग रहा है वो डबल है डाउनस्ट्रीम आने के समय से। ओके ऑब्वियसली बात है डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, मेरी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि मेरे को जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड का भी सपोर्ट मिलेगा। ओके लेकिन अपस्ट्रीम में क्या होगा, जो पानी की स्पीड है वो मेरे अगेंस्ट काम करेगी, इसलिए मेरी स्पीड डाउन हो जाएगी। फाइंड द रेशियो, ओके क्या करना है आपको, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो यहाँ पे मुझे किसका रेशियो निकालना है, जो बी है कैपिटल बी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्ट्रीम जो कि एस, उन दोनों का स्पीड का रेशियो निकालना है। तो देखिए इसको ड्रॉ करते हैं छोटा सा। लेट सपोज ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। अब ऐसा हमने क्यों बनाया, ऐसा हमने इसीलिए बनाया बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोला कि अ मैन कैन रो अ बोट सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम, तो पहले वो अपस्ट्रीम मूव कर रहा है। ओके तो मैं मान लेता हूं कि ए से बी अपस्ट्रीम जाता है। ओके ऊपर जाने के लिए स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी b माइनस s। ओके और टाइम क्या होगा, टाइम होगा लेट सपोज t, हम मान लेते हैं टाइम क्या होगा t। अब जब ये ऊपर जाके वापस नीचे आएगा तो नीचे आते समय स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड बन जाएगी b प्लस s। और टाइम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा पॉइंट टाइम क्या हो जाएगा, देखिए उसने क्या बोला, इफ द टाइम टेकन बाय हिम इन गोइंग अपस्ट्रीम, तो ऊपर जाने का जो समय है वो डबल है किसका, डाउनस्ट्रीम के समय का। तो डाउनस्ट्रीम का समय क्या होगा, ऊपर जाने के समय का आधा। अगर डाउनस्ट्रीम का डबल ऊपर जाने का है तो डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा, ऊपर जाने के समय के आधा, हाफ हो जाएगा। तो अगर मुझे ऊपर जाने में टी टाइम लग रहा है तो मुझे डाउनस्ट्रीम आने में कितना टाइम लग रहा होगा, टी बाय टू। ओके टी बाय टू। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए से बी गया और बी से ए ही वापस आ गया, तो याद कीजिए कौन सा कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, हमने सीखा था कि अगर डिस्टेंस सेम होता है तो एस वन अपॉन एस टू टी टू अपॉन टी वन के बराबर होता है। एस वन अपॉन एस टू में क्या लिख देंगे, स्पीड अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल्स टू टाइम टू गो डाउनस्ट्रीम अपॉन टाइम टू गो अपस्ट्रीम। ओके कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। नाउ व्हाट इज अपस्ट्रीम स्पीड, स्पीड ऊपर जाने की स्पीड कितनी है, बी माइनस एस। तो यहां से इस वैल्यू की जगह पे हम लिखते हैं बी माइनस एस अपॉन नीचे डाउनस्ट्रीम जाने की स्पीड कितनी है, बी प्लस एस इज इक्वल्स टू टाइम टू गो डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम है टी बाय टू अपॉन ऊपर जाने का टाइम कितना है टी, तो यू कैन राइट इट एज टी। नाउ यू कैन सी ये वैल्यू आ गया बी माइनस एस अपॉन बी प्लस एस इज इक्वल्स टू, देखिए टी टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, वन अपॉन टू। यूजिंग दिस एक्सप्रेशन यू कैन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ बी इज टू एस। तो मुझे कमेंट में बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका, बी इज टू एस का रेशियो क्या निकल के आता है, दिस इज द रेशियो।
इसको सिंप्लीफाई करना है और आपके पास बीस टू एस का रेशो आ जाएगा। अब आपको लगता है कि नहीं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए और कुछ सिंपल करना है, तो इसमें आप कंपोनेंटो डिविडेंडो का कोई रूल लगा दीजिए, उसे सॉल्व कर लीजिए। बट फिर भी मेरा सजेशन होगा कि सिंपल आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीस टू एस का वैल्यू निकाल लीजिए। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द बोट्स एंड स्ट्रीम्स क्वेश्चंस। ओके, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको बोट्स एंड स्ट्रीम में मिलेंगे। तो ये हमारा बोट्स एंड स्ट्रीम का स्पेसिफिकली टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम मूव करेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे, जिसको हम बोलेंगे रेसेस। ओके, लीनियर रेसेस, सर्कुलर रेसेस, तो रेसेस को डिस्कस करेंगे। सो यू कैन नोट दिस।